एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शोना, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी बहुत बड़ी मदद करने जा रही हूँ। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सीक्रेट टेक्निक्स बताने जा रही हूँ जिनकी मदद से आप अपनी ड्रीम लाइफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इसे कोई संयोग मत समझिए। कई बार हम जब कुछ चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई हमारी मदद करे, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ हेल्प लाकर हमारे सामने रख देता है। फिर हम पे डिपेंड करता है हम हेल्प लेते हैं या नहीं। तो आज इस वीडियो को आपने क्लिक किया है, डेफिनेटली एंड होते होते इस वीडियो की आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में पता चलेगा जिसको जान करके और जिसपे अमल करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज इस वीडियो के बाद से आपकी जिंदगी बदलने वाली है अगर आप करेक्ट वे में फॉलो करें जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ पांच ऐसे टेक्निक्स जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में जो भी चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको आपके पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है इस तरीके से कि जो चाहे आप वही हो आपके साथ, वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में कुछ यहाँ पे आसान से टिप्स देने जा रही हूँ। तो चलिए बताती हूँ सबसे पहला तरीका है निकोला टेस्ला का 369 टेक्निक। जो भी चीज आप पाना चाहते हैं लाइफ में, जो भी ड्रीम है आपका, आपको उसको अफर्मेशन के फॉर्म में लिखना है। कितनी बार लिखना है? तो आपको 3, 6 और 9 बार लिखना है। सुबह 3 बारी लिखना है, दोपहर को 6 और रात को 9 बारी लिखना है, 30 डेज तक। बिल्कुल शिद्दत से लिखना है उस ड्रीम को, अफर्मेशन में लिखना है। और लिखना इस तरीके से है कि सेंटेंस फॉर्मेशन करने में आपको 17 सेकेंड से कम नहीं लगना चाहिए, ये एक लौता शर्त है। और जब लिख रहे हो तो आपको वैसे लिखना है एज इफ आपने उस चीज को अचीव कर लिया। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अपना ड्रीम होम परचेस करना चाहते हो, आपका ये सपना है, आप ये मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये फिट बिठाना है कि आपने ड्रीम होम ले लिया या आपके पास ड्रीम होम आ चुका है। तो 3 बारी सुबह, जितने बजे भी आप सो के उठते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 6 बजे 7, 8, 9 बजे कभी भी सुबह आपको 3 बारी लिखना है थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस अमेजिंग होम आई हैव, या थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ड्रीम होम। जो भी सेंटेंस आपको अच्छा लगता हो, अफर्मेटिव होना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स से आपको शुरू करना है, सुबह 3 बारी लिखना है, दोपहर को 6 बारी, सेम प्रोसेस, 17 सेकेंड से कम नहीं लगना चाहिए सेंटेंस फॉर्मेशन में, और रात को सोने से पहले 9 बारी लिखना है। 30 दिन तक आपको ये फॉलो करना है। जब आप ये लिख रहे हो तो ध्यान रहे, पूरा ध्यान आपका सेंटेंस में होना चाहिए। जो चीज आप लिख रहे हो उसको साथ ही साथ आपको विजुअलाइज करना है, और लिखने के बाद मन में ये बिल्कुल विश्वास कर लेना है कि ये चीज आपको मिलने वाली है, यूनिवर्स आपको ये देने ही वाला है। डाउट नहीं करना है एक भी सेकंड के लिए उस चीज को जो आपने अभी जस्ट लिखी है। ओके, नेक्स्ट टेक्निक है 5-5-5 टेक्निक। इसमें क्या करना है? इसमें सेम चीज फॉलो करनी है, उसी सेंटेंस को लिखना है जो आप अचीव करना चाहते हैं, अफर्मेशन में लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स भी बोलना है, पर ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें आपको 55 बार लिखना है एवरी डे फॉर 5 डेज, 55 टाइम्स लिखना है आपको, 5 दिनों तक लिखना है। लिखते वक्त पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखिए उस सेंटेंस पे, उसको विजुअलाइज करिए। लिखने के बाद बिल्कुल भूल जाइए आपने क्या लिखा है, सोचिए नहीं उसके बारे में, उसमें बिल्कुल भी तर्क वितर्क मत करिए, जाने दीजिए उस चीज को, एज इफ आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है यूनिवर्स को, वो चीज अब आने ही वाली है। 55 बार लिखना है, 5 दिनों तक लिखना है। 369 या 555 दोनों में से एक सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों साथ में मत करिए। 555 कर रहे हैं अगर तो 369 मत करिए, 2 दिन के बाद फिर आप कर सकते हैं 369 भी, वैसा भी कर सकते हैं। और एक बार में एक ही ड्रीम को सोचना है। सपोज आप 555 टेक्निक कर रहे हैं तो जो एक ड्रीम लिख रहे हैं वो 5 दिनों तक में उसी को लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना। और 5 दिन के बाद जब पूरा हो जाए तो 2 दिन का ब्रेक लीजिए और फिर से आप अगेन नया ड्रीम लिख सकते हैं, चाहे 369 फॉलो करके या 555 फॉलो करके। तीसरी टेक्निक है, जब आप पानी पी रहे होते हो, पानी पीते वक्त आपको एक बारी जो भी आपका ड्रीम है, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसे मन में दोहरा लेना है कि थैंक यू यूनिवर्स, जो भी है, सपोज यू वांट गुड हेल्थ, तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस गुड हेल्थ, आई मीन ग्रेट हेल्थ, थैंक यू बोल के पानी पी लेना है। तो जब भी पानी पीजिए, एक बार उस ड्रीम को रिपीट करिए और विजुअलाइज करिए। चौथा तरीका है, सोने से पहले
आपको मिनिमम 20 से 25 सेकेंड उस चीज के बारे में सोचना है और उसी चीज को विजुलाइज करना है जो आपका ड्रीम है, जो आप पाना चाहते हो। सोने से पहले ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। दिन में जितने भी घंटे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा असरदार ये रात को है। क्यों है उसका लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। बार बार जो आप सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं वही आपकी जिंदगी की रियलिटी बन जाती है, पर कॉन्शियस माइंड आपको ये करने नहीं देता है। वो बार बार उसको क्वेश्चन करता है, निगेट करता है और फिर प्रोसेस जो है पूरा नहीं हो पाता। ठीक जब आप सोने वाले होते हो, जब आप ड्राउजी हो जाते हो, जब आपको एकदम पता है कि अब वो स्टेट आ चुका है आपकी बॉडी का, जब आप बिल्कुल सोने वाले हो, उसी सेकंड का आपको फायदा उठाना है, उस टाइम पे आपका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल सो चुका होता है और सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल अलर्ट रहता है। आपको उसी टाइम पे जो भी चाहते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर देना है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन आपको यूज करना है। कहते हैं कि जो भी चीज आप आग बंद करके सोच सकते हो उसको पाने की भी पूरी क्षमता है आपके अंदर। वो डेफिनेटली आपकी रियलिटी है, बस आपको उस पर थोड़ा ट्रस्ट करना है, उसकी तरफ थोड़ा सा काम करना है। तो सपोज ड्रीम होम चाहते हो आप, तो सोने से पहले एकदम जब नींद आने वाली हो आंखें बंद करना है, ड्रीम होम विजुअलाइज करना है। कैसा होने वाला है उसका लिविंग रूम, कैसा होने वाला है डाइनिंग रूम, कैसा चाहते हैं आप उसका बैकयार्ड, वो विजुअलाइज कर लेना है सोने से पहले और रोज फॉलो करना है इसको। देखिए कि कुछ ही समय में वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि जो चीज आप बस यूं ही सोच रहे थे, आपको लग रहा था ये पूरा तो नहीं होने वाला, पर सोचने में क्या जाता है, वो आपकी लाइफ की सच्चाई बन जाएगा। ट्रस्ट द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ट्रस्ट द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये बिल्कुल सत्य है, ये कोई किताबी बातें नहीं है, कोई बनावटी बातें नहीं है, ये एक लॉ है। जैसे ग्रेविटेशनल एक लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमें पता है कि अगर हम इस चीज को अभी नीचे गिराएंगे तो ये नीचे ही गिरेगी, ये ऊपर नहीं जाने वाली, बिकॉज इट्स अ लॉ, राइट। सिमिलरली है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जो भी चीज आप शिद्दत से चाहोगे उसके बारे में बार बार सोचोगे, डिस्कस करोगे, अपने आप को विजुअलाइज करोगे उस पर्टिकुलर चीज के साथ में, वो चीज आपकी रियलिटी बन जाएगी क्योंकि आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अट्रैक्ट कर रहे हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज है जो मैं बार बार बोलती हूँ और अपने व्लॉग्स में भी बहुत बार बोलती हूँ कि आपको अंदर सिर्फ अच्छा सोचना है, जो भी आप चाहते हो उसके बारे में अच्छा सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोचना है। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव चीजें नहीं सोचनी। इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज करिए आपका आपके हस्बैंड से झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद हम क्या करते हैं, हम किचन में जाते हैं, खाना बनाते हैं, हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं वो सभी चीजें जो हुई होती है हमारे बीच, मतलब जो झगड़ा हुआ, कहा सुनी हुई, हमने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, फिर रिपीट करते हैं कि पिछला हफ्ता भी हुआ था, पिछले साल भी हुआ था, 5 साल पहले भी हुआ था, 100 चीजें, फिर उससे कुछ और बात निकलती है, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर रोना आता है, फिर किसी को फोन करते हैं, दोस्तों को या फिर अपने घर वालों को, फिर वो सब बात बोलते हैं, फिर चीजें चल रही होती है, दिमाग पूरा पजल हो जाता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम बार बार जो रिपीट कर रहे हैं उसी इंस्टेंस को, जो बैड हुआ है, जो अच्छा नहीं एक्सपीरियंस हुआ है, ये बार बार अपने माइंड में रिपीट करके हम और ऐसे ही इंसिडेंट अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो भी चीजें आप अपने मन में बोलेंगे, सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। ध्यान रखिए, अच्छा बोलना है, पॉजिटिव सोचना है, विजुअलाइज करना है, ये टेक्निक फॉलो करिए जो मैंने आपको बताया और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। पर ध्यान रहे कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी और की, उससे कुछ परेशानी किसी और को ना हो रही हो, मतलब किसी और का बुरा नहीं सोचना है, वो अट्रैक्ट नहीं होने वाला। आप अपनी बेटरमेंट के बारे में सोचिए, पर उससे किसी का नुकसान हो ये आपको नहीं सोचना है। तो टेक्निक को आपको बस अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना है और ये टेक्निक 100% काम करती है। आप बस इसको ध्यान से करिए। ये कोई चांस ही नहीं है कि अगर आपने सपना देखा है वो पूरा ना हो। बस शर्त ये है कि सपना जो आप देख रहे हो उससे शिद्दत से देखना है, पावर से देखना है, उस पर ट्रस्ट करना है कि ये सच हो जाएगा और फिर यूनिवर्स जो है वो आपके कदमों पे ला करके वो रख देगा जो आप चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो वीडियो है ये आपकी लाइफ बदल सकता है अगर आपने इसे दिल से बिल्कुल फॉलो किया है, तो 100% ये आपको काम में आएगा, बिकॉज ये कोई कही बात नहीं है, इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और बाकी सभी साइंस की तरह, लॉ की तरह, ये भी 100% एक्यूरेट साइंस है। फॉलो करके आप देखिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। चलिए, इस वीडियो का पर्पस मेरा यही था कि मैं जो भी लोग ने इस वीडियो को क्लिक किया है उसको ये बताऊं सीक्रेट, उनकी मदद हो जाए तो मेरा काम यहाँ पूरा हो जाता है। इसी के साथ चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। कॉन्शियस माइंड को स्टॉप करिए, सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करिए। स्टार्ट ड्रीमिंग एंड बिलीविंग यू आर केपेबल ऑफ
एवरी गुड थिंग इन योर लाइफ, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, बस ट्रस्ट योर सबकॉन्शियस माइंड। बाय बाय।